अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अंतरिन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में दोस्तों सबसे पहली जो खबर दोस्तों जो कुवैत से आ रही है साथियों, वो कुवैत के बैंकों से आ रही है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, फिच नाम की एक कंपनी होती है जो बैंकों को वहां पर रेटिंग करती है पूरी दुनिया में। तो दोस्तों फिच की तरफ से कुवैत के 11 बैंकों को रेटिंग को इस बार घटा दिया गया है। तो वो कौन कौन सी बैंक है मैं आपको नाम बता देता हूं। इनमें से पहला बैंक है दोस्तों SAKP, NBK, KSCPP, बोबियान बैंक, KCP, KSCPP, BB, KCCP। दोस्तों इस तरह से लगभग 11 बैंक है, सभी 11 बैंकों को दोस्तों रेटिंग को घटा दिया गया। तो इसकी ये काफी अच्छी खबर नहीं है क्योंकि इससे इकोनॉमी पे काफी ज्यादा असर पड़ता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही, कतर को आमिर की तरफ से आ रही। साथियों बताना चाहूंगा, सॉरी, कुवैत के आमिर की तरफ से आ रही। दोस्तों कुवैत के जो आमिर, जो पहले आमिर थे साले अल ओजोरी साहब, उनका जन्म लगभग 23 जून 1990 को हुआ था। तो इसके लेकर साथियों कैबिनेट में आज उनके लिए दुख व्यक्त किया गया है। जो कुवैत के अभी के जो आमिर है, जिनका नाम महामहिम आमिर शेख नवाब अल थानी साहब की तरफ से दुख को व्यक्त किया गया और उनको काफी कैबिनेट में उनको काफी आज याद किया गया। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही, कुवैत में अगस्त तक सरकारी नौकरियों पर प्रवासियों को पूरी तरह से बदल देगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में आपको बहुत सारे वीडियो मैंने आपको बताया है कि कुवैत में प्रवासियों को निकाला जा रहा है नौकरियों से और कुवैतियों को डाला जा रहा है। तो दोस्तों एक नया अपडेट ये निकल कर आया, बहुत ही बुरी खबर है आप लोगों के लिए, कि बताया गया कि अगस्त में जितने भी वहां पे गवर्नमेंट सेक्टर में प्रवासी काम करते हैं तो 2 अगस्त 2022 तक सभी प्रवासियों को निकालकर अब कुवैतियों को डाला जाएगा। जी हां साथियों, साफ तौर पे क्लियर कर दिया गया। तो जो भी भाई लोग अभी कुवैत में आप लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो, तो अगस्त 2022 तक आप लोगों को सभी को निकाल दिया जाएगा और वहां पे सभी को अब डाला जाएगा प्रवासियों में। तो ये साफ तौर पे कुवैत की हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों लगभग वहां पे कुवैत में 4.3 मिलियन की वहां पे आबादी है, जिनमें दोस्तों 35 लाख विदेशी है। इसको लेकर दोस्तों काफी वहां पे अब क्या किया जा रहा है कि वहां पे सभी को बराबर किया जा रहा है। जितनी वहां पे विदेशी रहेंगे उतना ही वहां पे, जितना वहां कुवैती उतना ही अब वहां पे विदेशियों को भी रखा जाएगा। ज्यादा विदेशी के रखने की इजाजत नहीं होगी 2022 के लास्ट आते आते। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही, वो भी कुवैत बैंक से आ रही। दोस्तों कुवैत बैंक में, कुवैत बैंक क्या, हर एक बैंक में ये होता है कि मुद्रा यानी खुचरा जो पैसा होता है वो यदि ले जाते हैं बैंक तो वहां पे नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों कुवैत से बहुत सारे बैंकों में ये प्रॉब्लम हो रही है कि जो लोग भी वहां पे बैंक में मुद्रा खुचड़े पैसे को जमा करने जाते हैं वो बैंक के द्वारा लिया नहीं जाता है। इसको लेकर वहां पे काफी ज्यादा कंप्लेन किया जा रहा है कि आखिर ये कुवैत का ही करेंसी, तो आखिर ये पैसे को क्यों नहीं लिया जाता है। तो इसके लेकर दोस्तों वहां पे काफी कंप्लेन को रजिस्टर किया गया है। अगली खबर दोस्तों आ रही, जॉर्डन के प्रवासी ने लिफ्ट में की आत्महत्या। खबर यह है कि जॉर्डन के प्रवासी में लिफ्ट में आत्महत्या कर ली है। खैतान में स्थित इमारत में निवासी में से एक इस मामले में सूचना दी, 100 के पास चाकू पड़ा मिला। दोस्तों एक जॉर्डन का व्यक्ति था जो कि लिफ्ट में, अब वो उसे मारा गया है या वो सुसाइड कर लिया दोस्तों, इस पर कोई पुष्टि अभी नहीं की गई है, पर लिफ्ट में ही दोस्तों उसकी बॉडी को पाया गया है। किसी के द्वारा उसको सूचना दी गई पुलिस को, पुलिस पहुंची है तो वहां पर मृत घोषित उसे कर दिया गया। अगली खबर दोस्तों आ रही, निर्माण सामग्री चोरी करने के आरोप में 3 प्रवासी गिरफ्तार। साथियों आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारी चीजें रखी होती हैं जो कि उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहां बनाई जाती है। तो वहां के कुछ 3 प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है कि वो लोग क्या करते थे, कंस्ट्रक्शन के सामानों को वो लोग बेच देते थे। तो फिलहाल दोस्तों तीनों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है और सभी को, तीनों को डिपोर्ट करने की प्लानिंग वहां पे की जा रही है। तो ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरें थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथ इन वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।